भारत पाकिस्तान मुल्कों के बीच भले ही सरहद की लकीरें और दीवारें बन गई, लेकिन दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला जौनपुर शहर में देखने को मिला है, जहां बीजेपी नेता के बेटे की शादी पाकिस्तान के लाहौर शहर में तय हुई थी, लेकिन वीजा ना मिलने से आखिरकार शुक्रवार की रात ऑनलाइन निकाह दोनों मुल्कों के मौलाना ने करा दिया। चले जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अतुल श्रीवास्तव। बारात में सैकड़ों लोग बाराती बनकर पहुंचे थे, वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी दुल्हन के यहाँ लोग शादी में इकट्ठा हुए थे। दोनों का निकाह होने के बाद अब दुल्हन की पाकिस्तान से वीजा मिलने के बाद विदाई का दूल्हे राजा को इंतजार है। शहर के मखदूम शाह अढ़र निवासी व भाजपा सभासद तहसीन शाहिद ने एक वर्ष पहले अपने बेटे मोहम्मद अब्बास हैदर की शादी अपने एक रिश्तेदार जो पाकिस्तान के लाहौर शहर के रहने वाले थे अंदलीप जहरा से तय कर दी थी। शादी तय करने के उच्चायुक्त में वीजा अप्लाई कर दिया था। जैसे तैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, उनकी बेचैनी बढ़ती गई क्योंकि वीजा नहीं जारी हुआ। इस दौरान पाकिस्तान में लड़की की मां राना यास्मीन जैदी की तबीयत खराब हो गई, वह अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी। ऐसी हालत में भाजपा नेता तहसीन शाहिद ने लाहौर फोन से बातचीत कर ऑनलाइन शादी कराने का फैसला कर लिया और आखिरकार शुक्रवार की रात इमामबाड़ा कल्लू मरहूम में तहसीन शाहिद अपने साथ सैकड़ों बारातियों को लेकर पहुंचे और टीवी स्क्रीन पर सभी के सामने ऑनलाइन निकाह करवा दिया। निकाह होने के बाद दुल्हा मोहम्मद अब्बास हैदर ने भी अपनी लड़की की विदाई जल्द हो इसके लिए वीजा जल्द जारी करने की अपील की है। वही शादी में जिले सम्मानित नागरिकों के साथ भाजपा MLC ब्रिजेश सिंह प्रिशु भी मौजूद थे। सभी ने दूल्हे के पिता को शादी की मुबारकबाद भी पेश की है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनी टाइम्स।